गाइज मैं जो आपको बताऊंगा टाउन हॉल 12 पर इलिट ड्रैगन वेयरशॉप को कैसे यूज करना है, मैं आपको फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। हाँ गाइज, ये बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी विल्स को 3 स्टार कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मैं आपको आर्मी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। गाइज 5 एक्चुअल लेना है, 7 बैलून, 8 इलिट ड्रैगन, 5 फ्री स्पेल और 6 लेना है आपको बैट स्पेल, ठीक है। और एक रेज रहेगा सीसी के अंदर, आपको सीज मशीन लेना है लॉक लॉन्चर, 2 टेस्ट के अंदर और 2 वॉल बैकअप, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज, आपको और कुछ स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो कुछ और ही बना दूंगा, ठीक है गाइज। और कुछ स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा फास्ट वेस, ठीक है। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक आना एक डिप्लॉय कर देना है, क्योंकि इस साइड से हमको फॉलन क्लियर करना था, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक इलेक्ट्रिक डिप्लॉय करने में, ठीक है। यहाँ पर हमको क्वीन को डिप्लॉय कर दिया और पीछे से लॉग लॉन्चर को, क्योंकि लॉग लॉन्चर के अंदर जाना था, और एक पीछे से इलेक्ट्रिक हमने डिप्लॉय कर दी। उधर साइड से किंग आ गया, क्योंकि इस साइड से भी फाइनल क्लियर करना था। क्वीन का अपडेट लग गया, उस क्वीन भी टेक डाउन हो गया, बहुत बढ़िया। हमारा लॉग लॉन्चर फूट गया भाई, क्या ही बोलूँ, बहुत बढ़िया। 80 भी अच्छा खासा काम कर रहे, जो सीसी के अंदर हमने लिया था 280, ठीक है। वाल बेकर कुछ लिए थे, अच्छा खासा काम किया। एक लीटर रन मर गया, वो एक ही बचा है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं आपसे कुछ ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, आपको वैसे वैसे करना है, बहुत बढ़िया। किंग का अपडेट अभी तक बचा है, और ये लीटर रन हमारा मर गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। वहाँ पे इस साइड से वाल तोड़ रहा है किंग, तोड़ दिया, एक फाइनल क्लियर होगा। इस हार के साथ इस साइड से आपको पहले से डिप्लॉय कर देना है, और पीछे से लेट रहा उनकी, ठीक है। और बूढ़े पीछे से है, क्योंकि एयर डिफेंस है। यहाँ से हमको सिंगल इनपो लेके हमको लेट जो टाउन हॉल को टेक डाउन करना है, ठीक है गाइस, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, रसफल ठीक टाइम पर यूज करेंगे उस साइड में, आगे आ रेज वहाँ पर बूढ़े का अभी दे देंगे, क्योंकि सिंगल इनपो हमको लेना है और टाउन हॉल को और ईगल को, ठीक है गाइस। और एक फ्री स्पेल आ गया, क्योंकि टाउन हॉल मार रहा था इलेक्ट्रिक ड्रैगन को, बहुत ज़्यादा जरूरी था। सीसी के अंदर निकला भाई इलेक्ट्रिक ड्रैगन, एक भाई मैक्स इलेक्ट्रिक ड्रैगन है क्या। वहाँ पे एक फ्रीज आ गया, ठीक से पड़ा नहीं लगता है, कोई बात नहीं। सारे सारे यार से यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दी सिंगल इनपो के पास, बहुत बढ़िया। सीसी के अंदर जो इलेक्ट्रिक ड्रैगन था टेक डाउन हो गया, बहुत बढ़िया। किंग का अपडेट लग गया, यहाँ पे एक फ्रीज पे लगा, क्योंकि विजय टावर था, बहुत ज़्यादा जरूरत था डालने में। 1-2 इलेक्ट्रिक ड्रैगन अभी तक बचा है, बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या होता है बेस के अंदर, क्या 2 इलेक्ट्रॉन बच पाएगा अभी, देखते हैं। वहाँ पे एक हमने फ्रीज पर ड्रॉप कर दी, क्योंकि ऊर्जा टावर था, बहुत ज़्यादा जरूरी था वहाँ पर डालने में, बहुत बढ़िया। और एक फ्रीज पर लग गया वहाँ पे, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको बेस को क्लियर करना था, ठीक है। किंग भी अभी तक बचा है, बहुत बढ़िया। फाइनल इस साइड से हमने फाइनल के लिए 5 एक्चुअल यहाँ पर ड्रॉप कर दी, ठीक है, क्योंकि फटाफट हमको बेस को उड़ाना था, ठीक है गाइस। बहुत बढ़िया, अच्छा खासा से काम भी कर गया बेस के अंदर, बस 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, बस कुछ बैट्स, बहुत बढ़िया। तो गाइज लो, ये हो गया हमारा फर्स्ट वेस में 3 स्टार। तो चलिए मैं आपको अगले वेस दिखा देता हूँ आपको कैसा करना है। तो गाइज ये रहा हमारा अगले वेस फुली मैक्स है, ठीक है गाइज। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक ड्रैगन डिप्लॉय कर दी, क्योंकि फाइनल को क्लियर करना था। और अगर यहाँ पे किंग आ गया, पीछे से क्वीन, क्योंकि इस साइड से फाइनल क्लियर करके हमको लॉग लॉन्चर को ड्रॉप कर देना है। लॉग लॉन्चर आ गया, क्योंकि सिंगल इनपो को, टाउन हॉल को और ईगल को टेक डाउन करना था, ठीक है गाइज। क्वीन का अपडेट लग गया, कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा एच पी नहीं था ना, मार रहा था कौन उसको। लॉग लॉन्चर अंदर जा रहा है, बहुत बढ़िया, एक्सबो मार रहा है लॉग लॉन्चर को, देखते हैं क्या होता है। सिंगल इनपो मिल गया हमको आराम से, लेकिन ईगल नहीं मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक एयर डिफेंस भी टीचर मिल जाएगा, क्या 2 मिल पाएगा, देखते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रैगन यहाँ पे अभी तक भी जिंदा बचा है, किंग का भी अपडेट अभी तक बचा है, बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या होता है। किंग ही ले पाएगा ईगल को, टाउन हॉल को क्या ले पाएगा गाइस। यहाँ पे एक रेज आ गया, बहुत बढ़िया, उसको टेक डाउन उसको कर दी। और एक एयर डिफेंस था, नहीं मिला, टाउन हॉल भी नहीं मिला भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। हमको यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रिक ड्रैगन को डिप्लॉय कर देना है और पीछे से बैलून, क्योंकि इस साइड से क्लियर होके इलेक्ट्रिक जो टाउन हॉल को टेक डाउन करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक टाइम पर हम अपडेट देंगे, अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बैट्स वाले अभी तक 6 बचे हैं हमारे पास, वो कुछ भी हमने यूज नहीं किया, और 5 फ्री स्पेल अभी तक बचा है, ठीक है। हमने बूढ़े का अपडेट दे दी ठीक टाइम पे, क्योंकि सिंगल इनपो मार रहा था, और एक एयर डिफेंस था और टाउन हॉल भी था, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा से काम कर रहा है, वहाँ पे फ्रीज आ गया, सारे के सारे बैट्स हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दी, क्योंकि सिंगल इनपो था और एयर डिफेंस था,
कुछ हमारा इलेक्ट्रॉन मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी था डालने में, ट्रैप था अच्छे वजह से कुछ डैमेज पड़ गया हमारा बैट्स को, कोई बात नहीं। एक फ्री स्पेल आ गया वहाँ पे क्योंकि एयर डिफेंस था, और एक फ्री स्पेल इस साइड से मैं आ गया, विजर टावर है लेकिन वहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। लगता है दो फ्री स्पेल ही स्वाग होगा हमारा, दो चार पाँच छः सात इलेक्ट्रॉन बचा है, बहुत बढ़िया, बस एक ही मारा लगता है, दो तीन चार पाँच छः सात, बहुत बढ़िया सात ही बचा है। यहाँ पर अक्षर चार सर रिप्ले कर दिया और देखिए फ्री स्पेल भी एक स्वाग, ठीक है। तो गाइस चलो ये हमारा अगली बेस में हो गया थ्री स्टार, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट बेस दिखा देता हूँ वो कैसा करना है। तो गाइस ये हमारा रहा अगली बेस, ठीक है, यहाँ पे हमने क्वीन को डिप्ले कर दिया पीछे से लॉक लॉन्चर को, क्योंकि अंदर जाना है क्वीन को, ठीक है, देखते हैं क्वीन कहाँ पर जाता है, अंदर तो जा एयर नहीं गया, यहाँ पर हमने किंग को डिप्ले कर दिया क्योंकि अंदर जाना है किंग को, ठीक है, बहुत बढ़िया, कौन का भी हैबिट लग गया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। किंग का भी हैबिट अब तक बचा है, लॉक लॉन्चर ले पाएगा क्या, इगल को ले गया, बहुत बढ़िया, बस टाउन भी बचा है, और यहाँ पे किंग का हैबिट लग गया क्योंकि ज़्यादा एचपी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे बैलून्स को हमने डिप्लॉय कर दिया और पीछे से लेट रहा उनको, ठीक है, बूढ़े आ गया पीछे से, हमको तो नहीं मिला भाई, दो राउंड में हमको टाउन हॉल नहीं मिला, कोई बात नहीं, रेस्पेल बचा है, ठीक टाइम पे कुछ करेंगे हमको टाउन हॉल इजीली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, देखते हैं, बहुत सारे रन बचे हैं अभी, बैलून तो एक ही बचे, कोई बात नहीं, रेज आ गया वहाँ पे, ठीक है, और एक फ्री स्पेल आ गया वहाँ पे, बूढ़े का हमने अपडेट दे दी क्योंकि टाउन हॉल को लेना था हमको, और एक स्वीपर था इसलिए फ्री स्पेल हमने ड्रॉप कर दी, नहीं तो टाउन हॉल नहीं मिल पाता, ठीक है। सार के सारे बैट से स्टार्च हमने ड्रॉप कर दी, बहुत बढ़िया, अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और एक फ्री स्पेल आ गया क्योंकि यहाँ पे विजर्ड टावर था, और एक फ्री स्पेल आ गया, और कोई एक फ्री स्पेल कोई ज़रूरत नहीं, उनको स्वागे कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा वैल्यू निकला, देखो भाई फ्री स्पेल एक स्वाग, ठीक है, दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन बचे इस राउंड में, कोई बात नहीं। तो गाइस लो ये हमारा अगले बेस में भी हो गया थ्री स्टार, ठीक है। तो गाइस आपको तो ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करके मत जाना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।